हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 11 जुलाई और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कल रात तक के सुर्खियों से बने हुए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, प्लस वहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपकी प्रैक्टिस के लिए शेयर किए जाते हैं, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबकी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जैसे हमारे इंस्टा से जुड़ना है वो भी जाकर के जुड़ सकते हैं, सभी की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए आज का देख लेते हैं मोटिवेशन कोट क्या है जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी मदद करेगा। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। जो हमारी मंजिल होती है वो इतनी आसानी से तो हमें मिलती नहीं है। हम लोगों ने कितने सपने देखे हैं, कितने ड्रीम है हमारे, लेकिन बहुत ईजिली नहीं मिल सकते, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन और जो हमारे नसीब में भी नहीं हो, कुछ चीज़ें क्या होती हैं नसीब में नहीं लिखी होती हैं, लेकिन अगर हम डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है आपकी लास्ट लाइन, वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पर होती हैं। अगर आपने डेडिकेशन के साथ अपना ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना ही करना है, तो वहाँ नसीब भी क्या होता है बदल जाता है कि नहीं इसके हाथ में ही मुझे जाना है, अगर इसके नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे फिर भी यहाँ जाना ही जाना। तो बस आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपका अपने लक्ष्य की तरफ जाना, डेडिकेशन के साथ जाना, हार्ड वर्क करते रहिए, लेकिन कभी हार मत मानिए, कभी भी हार मत दे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार असफलता मिल जाए, हार बिल्कुल नहीं मानना है। लगे रहिए जब तक आपके अंदर हिम्मत है, हिम्मत लगाए रहिए, जब तक आप कर सकते हैं करिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हो गया, एनर्जी पूरी आ गई होगी आपके अंदर। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा है 11 जुलाई आज, तो आज के दिन ही ये क्या किया जाता है, हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। और विश्व जनसंख्या दिवस की अगर घोषणा की बात की जाए कि कब इसकी घोषणा की गई थी, तो 1989 में यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसी के द्वारा 1989 में इसके शासी परिषद के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इतना क्लियर हो गया होगा क्यों 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था, वैश्विक जनसंख्या ने टोटल कितने हैं, 5 अरब का आंकड़ा क्या किया था, हासिल कर लिया था। और इसी तरह सबसे पहले बताया जाए तो 1 जुलाई 1990 को 90 से अधिक, इसमें क्या हुआ था 90 प्लस देशों में ये क्या किया गया था, जनसंख्या दिवस मनाया गया था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये ध्यान रखना है कि इस बार की जो थीम रखी गई है वो क्या रखी गई है। इस बार की थीम रखी गई है 8 बिलियन का विश्व, मतलब इतने विश्व में जितने भी लोग हैं वो सभी क्या एक साथ हैं, तो 8 बिलियन का विश्व, ये इसकी क्या रखी गई है, इस बार की थीम रखी गई है। उम्मीद है ये सारे क्लियर हो गए होंगे आपको। तो चलिए कुछ और फैक्ट इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर बताया जाए कि 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली थे। और उस समय की जो थीम रखी गई थी 2011 जनगणना की, वो क्या रखी गई थी, आवर सेंसस एंड आवर फ्यूचर, ये रखी गई थी। अगर बात करें जनसंख्या की हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या जो है ये किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, समवर्ती, ये तो जनसंख्या समवर्ती हो गई। लेकिन अगर जनगणना पूछ ले, जनगणना, तो जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। किसका विषय है, संघ सूची का विषय है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस 2021 में जो जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है, विवेक जोशी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। और पहली बार ये कब स्टार्ट किया गया था, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट किया गया था। और 1881 में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हो गई थी हर 10 साल पर, वो किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको स्मॉल साइज करें ताकि सारी चीज़ें इसमें हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि अक्सर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में चर्चा में रहने वाली ग्रे लिस्ट का संबंध अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, कहीं आपने पढ़ा, इतने दिन से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया, कहीं भी IMF का नाम लिया नहीं लिया, तो इस हिसाब से आपको लग जाना चाहिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मार्च 2022 तक कुल 23 देश ग्रे लिस्ट में थे, अब पाकिस्तान को हटा दिया गया है, अब 22 देश हो गए हैं।
ऐसा कहीं नहीं न्यूज़ में था, न्यूज़ में बना था कि हाँ पाकिस्तान को हटाने का संकल्प पारित किया गया, लेकिन हटाया नहीं गया है, हटाया नहीं गया है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। और कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा, जब दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है तो यहाँ पे कोई नहीं सही है, यानी कि ना तो एक सही है और ना तो दो सही है। चलिए अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये जो ग्लोबल मनी फंडिंग, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, एक मिनट, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, FATF, तो मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग जो वॉच डॉग से, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इसमें निगरानी में क्या किया गया, पाकिस्तान देशों को ग्रे लिस्ट में अभी भी ये बना रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और FATF का मुख्यालय बात किया जाए तो वो कहाँ पर है, पेरिस में है, पेरिस कहाँ, फ्रांस में है। और FATF के अध्यक्ष कौन है, मार्कस प्लेयर है, कौन है, मार्कस प्लेयर अध्यक्ष इसके हैं, मार्कस प्लेयर। और FATF का उद्देश्य क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण का क्या करना, मुकाबला करना है। और FATF की स्थापना कब की गई थी, 1989 में की गई थी, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, हाल ही में किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, आर के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, आर के गुप्ता को। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये तो उपचुनाव आयुक्त हो गए, अगर पूछ ले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, उनका नाम है राजीव कुमार, उनका क्या नाम है, राजीव कुमार। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगर पूछ ले चुनाव आयुक्त कौन है, अगर पूछ ले चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। आपको तीन क्वेश्चन क्लियर हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त तो आप बताएंगे राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, और अगर उपचुनाव आयुक्त पूछ ले तो आर के गुप्ता। तो ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। चलते हैं और फैक्ट इससे संबंधित डिस्कस कर लेते हैं कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किस आर्टिकल में है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, ये किया गया था स्थानीय, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए, स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए। और ये किस आर्टिकल में है, 243, यहाँ लिख दे रही हूँ, 243K में है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, 243 के में है। और ये किस में डाला गया, किस संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था, 73वें संशोधन के द्वारा, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। उम्मीद है ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर मेन जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है, इसका गठन कब किया गया था, तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति जो कि एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, वो कौन सी समिति है, गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी समिति, गोस्वामी समिति, इसमें आगे लिख दीजिए दिनेश गोस्वामी समिति। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस आप फटाफट क्या करिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और जो अभी नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है, जून का क्वेश्चन है, अभी मैंने लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है, विचार करना है, साथ में यही बताना है कि कौन सा कथन क्या है इसमें सही है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। रूस की खुशगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यहीं का ये चीज़ है, रशिया का है, चाइना का है, यहाँ का है, वहाँ का, ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था कि 98% रॉन्ग होते हैं, 1% चांसेस होता है सही, लेकिन जब आपको 100% पता हो कि हाँ मैंने ये चीज़ पढ़ा है, तभी आप वहाँ आंसर टिक करिएगा, अदरवाइज ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। खुशगुल झील उत्तरी मंगोलियाई प्रांत खुशगुल में रूसी सीमा के पास स्थित है। तो यहाँ पे गाइस जो पूछ रहा है कि ऊपर में से कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके, रॉन्ग है, क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन आपके रॉन्ग है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और डीपली डिस्कस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको, एक मिनट। अभी मैंने कहा कि ये जो झील है वो रशिया का नहीं है, अगर रशिया का नहीं है तो फिर कहाँ का है, तो ये जो झील है वो मंगोलिया का है, कहाँ का है, मंगोलिया, मंगोलिया, ये माँ है मंगोलिया। तो मंगोलिया का कौन सा झील है, इसको मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, खुब्सगुल, इसको कहते हैं खुब्सगुल झील। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं जो करंट में बने रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा मंगोलिया का जो है खुब्सगुल झील है, ये राष्ट्रीय उद्यान को, इस ये जो नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। और ये फैसला किसके द्वारा लिया गया है, तो ये फैसला जो है
एम बी ए क्या है, अभी इसको भी बताते हैं। MBA जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है, किसका? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसको कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसी के तहत क्या किया गया है, इसके 34वां सत्र हुआ है अभी को, 34वां सत्र का आयोजन किया गया। इसी सत्र के दौरान इसका क्या किया गया, ये फैसला लिया गया है, क्लियर। और ये कार्यक्रम जो हुआ है कहाँ हुआ है, फ्रांस के पेरिस में हो रहा है। ये जो प्रोग्राम हुआ वो कहाँ हुआ, फ्रांस के पेरिस में हुआ, क्लियर। अगर हम MBA की बात करें, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की बात करें, तो ये जो है आपका, ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 के दशक के शुरुआत में यूनेस्को के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान पूछता है कि MBA के किसके द्वारा की गई थी, तो यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा की गई थी। और कब? 1970 के दशक के दौरान यूनेस्को के द्वारा की गई थी। क्या? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, क्लियर हो गया होगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो कार्यक्रम होता है इसका उद्देश्य क्या है, तो ये लोगों और उनके वातावरण के बीच क्या करना है, संबंध को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे खुब्सगुल झील की बात करते हैं। तो खुब्सगुल झील जो है ये उत्तर मंगोलियाई प्रांत खुब्सगुल में, ये मतलब उत्तर मंगोलिया में एक इलाका है जिसका नाम है खुब्सगुल, तो वहीं पर रूसी सीमा के पास स्थित है, रूस में नहीं है, रूसी सीमा के पास स्थित है। और ये हाँ जो है मंगोलिया के मीठे पानी का, और ये जो है ये मंगोलिया के मीठे पानी का कितना परसेंट है, 70% है, कितना परसेंट है, 70% है, क्लियर। और ये झील जो है देखा जाए तो समुद्र तल से लगभग कितने मीटर, 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये 135 किलोमीटर लंबा, 135 किलोमीटर लंबा एंड 262 मीटर गहरी झील है, क्लियर हो गया होगा। मंगोलिया से अब तक कुल कितने मतलब साइटों को नेटवर्क में पंजीकृत किया गया, कुल 9 साइटों को। तो कितना किया गया ये सब नहीं पूछा, बस हम लोग को मेन रूप से जानना है कि ये कहाँ स्थित है और किसके लिए ये चर्चा में आया, बस इतना आपको ध्यान रखना। और ये किस तरीके की झील है, तो मीठे पानी की, जैसा कि मैंने बताया कि 70% यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो मंगोलिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्षेत्रफल अगर इसको मात्रा के हिसाब से देखें तो मंगोलिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये मंगोलिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। दोनों आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। और ये झील जो है बैकाल झील से लगभग 200 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। किस झील से? बैकाल झील से लगभग 200 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। उम्मीद है ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस हिसाब से हमको बताना था कौन से सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है, फर्स्ट नहीं सही है, क्योंकि रशिया नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मंगोलिया होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? मंगोलिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन संभावना है पूछे जाने की आपकी UPSC में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता है। किसे हरा? आंध्र प्रदेश ने जीता है। और ये किसको हरा करके? गुजरात को हरा करके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स डिजाइन 2022, ये एक जगह आप नोट बना लीजिए, क्योंकि इतने दिन से मैं मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बता रही हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक जगह नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन करते निकले, वैसे मैं रिवीजन बार बार करूँगी जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ताकि आपका क्लियर हो जाए। हाल ही में किसने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता? तो चलिए देख लेते हैं कौन जीता है। तो ये पल्लवी सिंह ने जीता है। कौन जीता है? पल्लवी सिंह ने जीता है। इसमें और देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक मिनट थोड़ा इसको बढ़ा कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ लिखा साउथ कोरिया के योशु शहर में, कहाँ पे? योशु शहर है, सिटी है। यहाँ पे 20 से 30 जून को आयोजित हुआ मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में, ये कहाँ की हैं पल्लवी सिंह? ये हैं कानपुर की। तो इन्हीं को मिसेस पल्लवी सिंह ने 110 देशों के बीच अपने देश का नाम रोशन करते हुए मिसेस यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम किया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन हुआ कहाँ है। मिसेस यूनिवर्स डिवाइन अभी ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये दक्षिण कोरिया के योशु शहर में, कहाँ पे हुआ? योशु, दक्षिण कोरिया के योशु शहर में इसका आयोजन हुआ है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? कानपुर। कहाँ की हैं? ये कानपुर की हैं। तो इन्हें ये क्या मिला है? मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब मिला है। अगर
अभी 2 दिन पहले मैंने बताया था कि फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसे मिला है, तो उनको किसे मिला था, शिनी शेट्टी को मिला है, शिनी शेट्टी को मिला है, शिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया का खिताब मिला है। अगर पूछ ले कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, तो खुशी पटेल को मिला है जो कि गुजरात से संबंधित है, और मिसेज वर्ल्ड 2022 पूछ ले तो शाइलिन फोर्ड को मिला है, ये अमेरिका से संबंधित है, और मिस यूनिवर्स 2021 पूछ ले तो हरनाज कौर संधू जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, और मिस वर्ल्ड 2021 पूछ ले तो कैरोलिना बिलावास्का जो कि पोलैंड की हैं। तो ये सारे आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा ये है जो कि इन्हें ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, हरदीप सिंह पुरी ने किया है, किसने किया है, हरदीप सिंह पुरी ने किया है, और ये हरदीप सिंह पुरी कौन से मंत्री हैं, आवास मंत्री हैं, और इसका आयोजन कहाँ, दिल्ली में, दिल्ली में शुभारंभ किया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। और अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात की जाए तो ये 2020 में स्टार्ट की गई थी, और इसका पूरा नाम था स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। ये किसके लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये की गई थी, ताकि उनको सस्ता लोन क्या किया जा सके, दिया जा सके। और अभी इसका जो शुभारम्भ किया गया है, ये कहाँ पर होगा, 75 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पर, 75 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे तो आपको जितना स्टार बनाना बना लीजिए, क्योंकि ये पूरी संभावना है पूछे जाने की आपके आगामी परीक्षा में, चाहे वो यूपीएससी ले लीजिए, यूपीपीसीएस ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, उम्मीद है पूछे जाने की। तो चलिए पूछे ना पूछे, हम लोग इंपॉर्टेंट समझ करके इसको देखते हैं, पढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है। चर्चा में रहा क्या, चर्चा में है संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है, चर्चा में कौन सा वृक्ष है, संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर कहाँ स्थित है, तो ये वडोदरा में स्थित है, वडोदरा गुजरात, वडोदरा में ये स्थित है। तो अभी क्या हुआ है, जो राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण है, कौन, राष्ट्रीय स्मारक, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, प्राधिकरण, प्राधिकरण, इसी के द्वारा भारतीय संविधान के जो हमारे जनक हैं और महान समाज सुधारक अंबेडकर जी हैं, उनसे ये उनसे जुड़ा दो स्थल हैं, दो, एक एक स्थल का नाम तो यहाँ दिया है और एक स्थल और है, इन्हीं से जुड़ा, इन्हीं से संबंधित दो स्थल है, जिसको क्या किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। ठीक है, क्या करने की सिफारिश की है, इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की क्या की है, सिफारिश की है। पहला तो यही हो गया, संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर को, जो कि गुजरात के वडोदरा में स्थित है। और ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इसका एक इसमें इसमें क्या हुआ था कि ये जो संकल्प भूमि बरगद वृक्ष है, परिसर है, यहाँ पर अम्बेडकर जी ने 23 सितंबर 1917 को, कब, 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। यहीं पर इन्होंने क्या किया था, अस्पृश्यता उन्मूलन का, अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प, यहाँ पे क्या किया था, अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। तो इस स्थान को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का मानना है। क्लियर हो गया होगा। और ये स्थान अगर देखा जाए तो 100 साल से भी अधिक पुराना है, जहाँ पर अंबेडकर जी के द्वारा क्या की गई थी, शुरू की गई जो सामाजिक सम्मान क्रांति का क्या ये रहा है, एक गवाह रहा है। ये भी क्लियर हो गया होगा, पहला ये हो गया। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड किसको कहा गया है करने के लिए, तो एक है प्रताप राव भोसले, ये क्या है, एक हाई स्कूल है, हाई स्कूल है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के सतारा में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र के सतारा में प्रताप राव भोसले हाई स्कूल को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के द्वारा क्या की गई है, सिफारिश की गई है। यहाँ पर क्या हुआ था, इस स्कूल में भीमराव और जो अंबेडकर जी हैं, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी इस स्कूल में, और इस स्कूल का जो रजिस्टर है, अभी भी एक छात्र के तौर पर जो भीमराव जी हैं उनके द्वारा मराठी में हस्ताक्षर किया गया है, इस यहाँ का जो रजिस्टर है। तो इसीलिए ये कहा गया है स्मारक प्राधिकरण के द्वारा कि इन दोनों को क्या किया जाए, एक राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाए।
उम्मीद है ये दोनों पॉइंट आपको, ये दोनों आपको फैक्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आ ही गया है तो देख लेते हैं कि जैसे स्टैचू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर, लातूर महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या, चलिए विचार कर लेते हैं, क्या विचार करना है पहले देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या यूटी कौन सा बन गया है, ये बन गया है असम बन गया है। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू की जा रही है। तो गाइज यहाँ पे कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम गलत कर सके, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा क्या है एकदम सही है। तो यहाँ पे बताना था कौन सा सही है, दोनों आपके स्टेटमेंट क्या है सही है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरे देश में अब लागू हो चुकी है। असम, अभी असम में क्या है सबसे अंत में जो इस योजना का संचालन शुरू हुआ है वो असम राज्य है। तो क्वेश्चन भी पूरी संभावना है आगे पूछे जाने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ देश के सभी राज्य में, अब ये ऐसा कोई भी राज्य नहीं जहाँ पर ये नहीं, अब सभी राज्य में ये स्कीम लागू हो चुकी है, क्लियर हो गया होगा। और ये है क्या, तो वन नेशन वन राशन कार्ड कि ये एक क्या है, एक पोर्टेबिलिटी योजना है जहाँ पर कहीं भी राशन कार्ड, जिसका में कहीं भी कहीं का जो राशन कार्ड होगा वो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। और ये जो राशन कार्ड होगा, ये जो होगा ये काम आधार से जुड़ा होता है, इसलिए बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर राशन की सुविधा आप कहीं भी जा करके ली जा सकती है। उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, एक मिनट, अगस्त, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कब आया था कैसे आया था, जैसे स्वनिधि वाला पीसीएस में आया था, अगस्त 2019 में ही शुरू किया गया था। और ये जो एक राशन कार्ड योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 2013 के तहत ये मतलब अपने कार्ड से किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से राशन प्राप्त की जा सकती है। इस हिसाब से ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन देशों के बीच सहयोग है, तो किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है, किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है छपने की आगे वाले एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, किसने जीता है, तो चलिए इसको एक एक करके एक एक क्वेश्चन को इसको क्लियर कर लेते हैं। तो किसने जीता, इनका नाम है एलिना रिबाकिना, क्या नाम है इनका, एलिना, थोड़ा नाम टफ है लेकिन हमें पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, एलिना रिबाकिना ने जीता है। ये कहाँ की हैं, कजाकिस्तान की हैं, कहाँ की हैं, ये कजाकिस्तान की हैं। तो कभी कभी ये पूछता है, चलो ये दे देगा कि एलिना रिबाकिना ने महिला सिंगल्स का खिताब जीता, किसको हरा कर जीता है, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसको हराया है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये हरा इन्होंने ओन्स, नाम थोड़ा टफ है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, ओन्स जेबुअर, ओन्स जेबुअर को हरा करके, ये कहाँ की हैं, ट्यूनीशिया की हैं, कहाँ की हैं, ट्यूनीशिया की हैं। तो एलिना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं, जो कि ओन्स जेबुअर को, जो ट्यूनीशिया की, इनको हरा करके इन्होंने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है, और एशिया की यह, और ऐसा खिताब पाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। कौन, एलिना रिबाकिना एशिया की पहली महिला बन गई हैं जो इस खिताब को जीती हैं, क्लियर हो गया होगा। ये तो महिला सिंगल्स का था। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि महिला की जगह पुरुष दे दे, महिला की जगह पुरुष दे दे, तो पुरुष सिंगल्स का खिताब जो जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने, किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। ये कहाँ के हैं, ये हैं सर्बिया के, सर्बिया के हैं। इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने निक किर्गियोस को हराया है, निक किर्गियोस को हरा करके जीता है, निक किर्गियोस को हरा करके जीता है। ये कहाँ के हैं, निक किर्गियोस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्हें हरा करके इन्होंने, नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स का विंबलडन 2022 में खिताब जीता है। और नोवाक जोकोविच ऐसे मतलब है खिलाड़ी हैं जो 21 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। नोवाक जोकोविच कितने बार, 21 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब इन्होंने जीता है। तो सर्वाधिक किसने जीता है, 21 बार, तो अगर पूछ लो सर्वाधिक किसने ग्रैंड स्लैम जीता है, तो 22 टाइम्स जो जीता है वो है राफेल नडाल,
वो हैं राफेल नडाल, जिन्होंने 22 बार जीता है। तो फर्स्ट नंबर पर राफेल नडाल हैं, जो कि हाँ सर्वाधिक का सर्वाधिक अगर पूछ ले तो राफेल नडाल है, और सेकंड में कौन है, नोवाक जोकोविच है। तो उम्मीद है ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और ये विंबलडन जो 2022 है, ये जो है चौथे ग्रैंड स्लैम, चार ग्रैंड स्लैम होते हैं तो चार ग्रैंड स्लैम में तीसरे नंबर का है, चार ग्रैंड स्लैम में विंबलडन जो है तीसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम है। चारों कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन और एक ये मैंने बताया विंबलडन ओपन, क्लियर। और विंबलडन ओपन जो होता है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है तो, और ये सबसे सर्वाधिक पुराना ग्रैंड स्लैम है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग कल का रिविज़न कर लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट के। एक मिनट, यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, टाइम नहीं मिला, बट मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को तो सारी चीज़ें पता ही होंगी। चलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ कि जैसे उस दिन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था हमारा कि भारत के विचार करना था कि भारत के दिग्गज महिला खिलाड़ी वनडे कप्तान मिताली राज ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बिल्कुल ले लिया था, मिताली राज के नाम पर बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है, और ये दुनिया की इकलौती ऐसी कप्तान है जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैच में कप्तानी की थी। तो वहाँ पूछा था कौन से कथन सही हैं, तो दोनों कथन हमारे क्या थे, सही थे, इस हिसाब से वहाँ पर सही था। और किस राज्य में महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था, यह भी डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया, तो स्मृति ईरानी को दिया गया, यह भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विचार करना था कौन से कथन सही है, जैसे कि भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया, तो जयपुर में तो किया ही नहीं गया था, क्यों, इसीलिए तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था, क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि वहां कहां किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग है। सेकंड क्या पूछा था कि इसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा किया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सॉरी राइट है। तो पूछा था कौन सा कथन सही, तो दूसरा सही था, पहला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने चार लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो उनके नाम बताना था, तो एक तो पीटी उषा थी, एक लैया राजा, एक विजेंद्र प्रसाद और चौथे वीरेंद्र हेगड़े, ये चार लोगों का नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। G20 के लिए भारत का नया शेरपा कौन नियुक्त किया गया है, तो वो अमिताभ कांत को पीयूष गोयल के स्थान पर, ये भी आपको क्लियर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, तो वाराणसी में किया है। हाल ही में जो जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया, तो ओडिशा को दिया गया था। किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा की है, तो गूगल के द्वारा की गई है। चर्चा में रही भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राम बहादुर राय हैं। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, रिवीजन भी आपको करा दिया गया है, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, यही उम्मीद करते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए, और नए व्यूवर्स प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता है, थैंक यू सो मच।